बालासाहेब ठाकरे के मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला कि इस देश में मुसलमान नहीं रहेंगे और इस देश से मुसलमानों ने बाहर जाना चाहिए, ये कभी नहीं कहा। बालासाहेब की भूमिका स्पष्ट रही हमेशा, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, इस देश में जिसने देश के साथ धोखा किया है, धोखा करने की कोशिश की है, वो इस देश में नहीं रहेगा। बालासाहेब ठाकरे जी की सोच यही थी कि सभी ने हमको, हम सबको एक मुख्य धारा में आना चाहिए, ये भूल जाना चाहिए हम अलग है और सिर्फ हम पर ही जुल्म। अगर आपके ऊपर जुल्म होता है तो ये देश का कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है, उस जुल्म के खिलाफ एक साथ आकर आवाज उठाइए। लेकिन बालासाहेब ठाकरे क्या, अगर आप आपने देखा घर में अगर जाएंगे, कभी जाते थे हम लोग हमेशा, तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे सामान्य लोग हो, चाहे उद्योग जगत के लोग हो, हमेशा उनके मित्रों में मुस्लिम समाज के ऐसे लोग मैं देखता था, आराम से बैठकर चर्चा करते थे देश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में। तो ऐसे बालासाहेब ठाकरे के सुपुत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और जब ये पूरे देश में जो माहौल बन रहा था एक महीना पहले, दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पुलिस घुस गई थी और स्टूडेंट के ऊपर बंदूकें रोकी गई थी, तो उद्धव ठाकरे इस देश में से एक पहले मुख्यमंत्री थे, उसने कहा ये तो जालियांवाला बाग से भी भयंकर है, ये उनके शब्द है। इस प्रकार की सत्यवाणी किसी भी राजनेता ने तब तक नहीं की थी, खुलेआम कहा था कि जालियांवाला बाग का रिपीटेशन है। जिस देश में स्टूडेंट्स के ऊपर बंदूकें चलाई जाती है, समझ लीजिए वो देश खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, उस देश की स्वतंत्रता खतरे में। हमने पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने कहा स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ना है, आंदोलन करना नहीं है, संविधान उनको भी पढ़ना देना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं वो विद्यार्थियों ने किए हैं, और परिवर्तन करने का काम किसने किया है, वो विद्यार्थी ने किया। जो फांसी पर गए स्वतंत्रता संग्राम में, आप देखिए उनकी उम्र क्या है, भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह खान तक सब तो बच्चे ही थे। 1975 में जो इमरजेंसी आपातकाल का आंदोलन हुआ था उसके खिलाफ, वो तो नवनिर्माण का आंदोलन तो विद्यार्थियों ने किया था। अगर ऐसा है तो अरुण जेटली सबसे पहले अपराधी बनेंगे, और अगर एक कानून के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अभी इस देश का युवा विद्यार्थी सड़क पर उतरता है तो उसके उसको ज्ञान दिया जाता है आपका काम नहीं है। उनको पता होना चाहिए इस देश का युवा जब 18 साल का होता है तो उसे मतदान का अधिकार मिला है, वो युवा है, उसको सोच है, उसको समझ है, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। और आप इस युवाओं को, इस देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हो।